न वो बजरंग बली है, न वो अश्वत्थामा है, फिर कौन है वो जो वहां रात को आते हैं? कौन है वो जो महादेव के दरबार में अभिषेक करते हैं? पहले से ही प्रतिमा की पूजा कोई अज्ञात शक्ति कर जाती है। कौन है वो जो अदृश्य हो जाते हैं? हाँ, यहाँ एक अदृश्य शक्ति है। कौन है वो जो दिव्य शक्ति कहलाते हैं? ये तो देव शक्तियाँ हैं, आकाश मार्ग से आना जाना इन लोगों का होता है। टीवी की दुनिया की सबसे अनदेखी अनोखी कहानी। यानी कि कोई आया है, उसने ये घंटी बजाई है। महाभारत की अमर कथा। आधी हकीकत आधा फसाना। रात होती है तो वहां कोई आता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो एक दिव्य शक्ति है जो शिवलिंग का अभिषेक करके गायब हो जाती है, कोई उसे देख नहीं पाता। जिन लोगों ने उस शक्ति को देखने या उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की, उनके साथ जरूर कोई ना कोई अनहोनी हुई। ये जो कुछ आप सुन रहे हैं, इस सबको अगर आप किससे कहानियां मान रहे हैं, तो ये आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों से हमने ये कहानी सुनी, वो पक्के दावे के साथ हमारे सामने सब कुछ बयां कर रहे थे। इसलिए हमने तय किया कि जिस 5000 साल पुरानी अमर कथा के सबूत लोग देते आए हैं, उस कहानी को हम अपने तरीके से समझेंगे और देखेंगे जो कुछ हमें बताया गया उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जो यकीनन आपको द्वापर युग में ले जाएगा। आज हमारे साथ वहां चलिए जहां 5000 साल पुरानी कहानी आज भी सांस ले रही है। आज हमारे साथ उस सफर पर चलिए जहां समय की सुइयों ने भले ही भूगोल बदल दिया हो, लेकिन एक दिव्य शक्ति की अमर कथा वहां आज भी जस की तस है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जगह बाराबंकी मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं। लखनऊ से महज दूरी 20 से 25 किलोमीटर। लेकिन ना हम बाराबंकी के बारे में आपको बताएंगे, ना यहाँ की खासियत खूबसूरती, कुछ ऐसा नहीं बताने वाले हैं, बल्कि हम आज आपको महादेव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ माँ कुंती, जी हाँ, महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसके बारे में सबने सुना है, माँ कुंती आती हैं उस महादेव के मंदिर में, पहली पूजा प्रथम पूजा वही करती हैं और उसके बाद ही कोई और पूजा कर पाएगा। तो हमने सुना, हम भी दंग रह गए। इसीलिए आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम महादेव के उस कुंतेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे और उस सच्चाई को कैमरे पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आप वाकई माँ कुंती आती हैं, पहली पूजा करती हैं, या फिर सुनी सुनाई कही कहाई कुछ बातें और कहानियां हैं। कुंतेश्वर महादेव धाम के नाम और कहानियों में रहस्यों का ऐसा ताना बाना है जिसने आधी हकीकत आधा फसाना के कदमों को किंतूर गांव की तरफ मोड़ दिया। तो कुंतेश्वर महादेव का मंदिर जिसके बारे में हम सुन रहे हैं और जिसके बारे में लोग कहानियां किस्से हमें सुना रहे हैं, इसीलिए हम यहां तक आए हैं हमारी टीम के साथ में। तो अब हम अपने अगले पड़ाव पर निकल चुके हैं, मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर में पुजारी से भी जानेंगे कब से वो वहां पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको कुछ महसूस हुआ नहीं हुआ, रात को कितने बजे कपाट बंद कर दिए जाते हैं, फिर सुबह कितने बजे कपाट खोले जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि आसपास जो लोग रह रहे हैं ना, उनसे भी बातचीत करेंगे। घाट तक भी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि सरयू के घाट से, जिसको घाघरा नदी यहाँ कहते हैं, घाघरा नदी के उस घाट से माँ जो है जल लेकर आती हैं, फिर पारिजात से जो है फूल लेकर आती हैं, उसके बाद वहाँ चढ़ाती हैं।
चलिए हमारे साथ, अभी और थोड़ा सा रास्ता बचा है तो वहां तक पहुंचते हैं और वहां लोगों से पूछते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैमरे पर। आज हम पूरी तरीके से उस सच को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। कहानियों के मुताबिक कोई अदृश्य शक्ति कुंतेश्वर महादेव के धाम में आती है और शिवलिंग का अभिषेक कर गायब हो जाती है। बचपन से लेकर हमारे पूर्वजों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई आदर्श शक्ति आती है, पूजा करके चली जाती है। और अगर इस दौरान किसी ने विघ्न डालने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लोगों को इतना मतलब यहाँ से डर लगता है किसी अनहोनी के कारण। नहीं, क्या अनहोनी, डर क्या है भाई? आदर्श शक्ति को देखने के लिए भगवान से सबको डरते हैं कि अगर कोई देखना जाए रात में, कोई नुकसान हो जाए, कोई हानि हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा। मन में ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही बातें, कई सवालों के साथ घूम रही थी। लेकिन सच क्या है, कितना है, ये समझने के लिए जरूरी था कि उस धाम तक पहुंचा जाए जहां रात के अंधेरे में अदृश्य शक्ति आने का दावा किया जाता है। तो मंदिर का मुख्य द्वार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य द्वार के बाहर हम मौजूद हैं कुंतेश्वर महादेव मंदिर, मेरे पीछे भी आप लिखा देख सकते हैं मंदिर का मुख्य द्वार, और इसके अंदर अब हम जाएंगे और आपको दिखाते हैं, बताते हैं, दिखाते की कोशिश करते हैं जो हमें बताया जा रहा है कि यहाँ माँ कुंती आती है। अभी दिन का समय है, अभी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आसपास का एरिया आप देख लीजिए क्योंकि आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल या फिर आपको खेत खलियान दिखाई देंगे। कुंतेश्वर महादेव के आसपास चहल पहल भरा माहौल था। ओम नमः शिवाय। भक्ति भाव से सराबोर श्रद्धालु अपने आराध्य का अभिषेक कर रहे थे। महादेव शिव शंकर शंभु, महाकाल हरि शंकर शंभु, जटाजूट हरि शंकर शंभु। अब इन्हीं लोगों में हमें कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जो हमें सुनी सुनाई कहानी का पूरा विस्तार बता सके। जल्द ही हमारी मुलाकात मंदिर समिति के अध्यक्ष जयचंद्र से हुई, जिन्होंने कुंतेश्वर महादेव से जुड़ी हजारों साल पुरानी कहानी सुनाई। प्राचीन मंदिर है, महाभारत काल का है। जब महाभारत काल में पांडवों का अज्ञातवास हुआ तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर विराट नगरी है जहाँ पांडव लोग नौकर थे, और तभी आकाशवाणी हुई कि जो सबसे पहले प्रथम पूजा करेंगे उसके पुत्रों को विजय प्राप्त होगी। जो सबसे पहले पूजा करेगा उसके पुत्रों को विजय प्राप्त होगी। अच्छा, विजय प्राप्त होगी। हाँ, तो माता कुंती शंकर भगवान को याद किया, शंकर भगवान आए तो सारी विधिवत बात पूछी, बताई ना, तो फिर महाबली भीम को भेजा कैलाश पर्वत, वहाँ से शिवलिंग लेके आए। और तो ये मतलब माँ कुंती ने शिवलिंग लगाया। आज भी आती हैं माँ कुंती यहाँ पर? हाँ, आवत हैं, उन्हें सबसे पहले प्रथम पूजा करती है, वही करती हैं। हाँ। दावे और कहानी से जो बात समझ आई वो ये थी कि जिस अदृश्य शक्ति का जिक्र यहाँ के लोग करते हैं वो पांडवों और कर्ण की माँ कुंती हैं, और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम किंतूर पड़ा। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में खटक रही थी और वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अफवाहों को बुनकर अदृश्य शक्ति वाली कहानी को गढ़ा गया। हमारी इस उथल पुथल को एक आदमी के जवाब ने और उलझा दिया, क्योंकि अब कहानी में देवराज इंद्र का वो पारिजात वृक्ष भी आ गया था जो पौराणिक कहानियों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान निकला था। ये तो देव शक्ति है, इंसान की कोई शक्ति नहीं है जो कोई किसी हम आप जैसे देख लें कि हम कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रही हैं। ये तो देव शक्तियाँ हैं, आकाश मार्ग से आना जाना इन लोगों का होता है। और पुष्प जो पारिजात का पुष्प होता है बैसाख के महीने में, उसके बाद फागुन के महीने में, तो जो पहला पुष्प निकलता है वृक्ष का
वो फूल ऑटोमेटिक यहाँ आता है। माँ कुंती उसी फूल से भगवान का जल अभिषेक करके वो पुष्प को अर्पित करती है। अब इस शख्स ने हमें एक मायावी दरवाजे और लंगड़ बाबा से जुड़ी कहानी भी सुनाई। उनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ ये यहाँ एक कमरा बना हुआ है मैम, यहाँ वो कमरे को अटैच करना है, बिना चप्पल पहन के अंदर जाना मना है, वो कभी खुलता नहीं है। जब परमात्मा ईश्वर चाहता है तो खुलता है, वहाँ जबरदस्ती खोलोगी तो निश्चित है वहाँ पे। कौन सा कमरा है? है अंदर यहाँ पे धोनी के सामने, उसमें इतने मोटे मोटे शंकर जी के गण मौजूद रहते हैं। गढ़ रहते हैं मतलब? गढ़ यानी नाग। नाग रहते हैं? हाँ। ताला लगा है? नहीं ताला नहीं लगा है, वैसे जंजीर चढ़ी है, आप चाहो अभी खोल लो, लेकिन जिद नहीं, अहम नहीं, भक्त बन के आप कुछ भी कर सकते हो, जिद करके नहीं, ये यहाँ की परंपरा। किसी ने खोल के देखा कभी नाग निकला? निकलते हैं, यहाँ तक आते हैं, टहलते हैं, हम लोग अभी नवरात में यहाँ प्रोग्राम चलता है तो आते हैं, टहलते हैं सब, लेकिन यहाँ हजारों की भीड़ होती है, औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं, कभी किसी को टच नहीं किया। अब कहानी को गहराई से जानने और समझने की उत्सुकता और बढ़ चुकी थी, लेकिन इससे पहले ये जरूरी था कि मंदिर के आसपास के भूगोल को समझ लिया जाए, क्योंकि पूरा दिन और पूरी रात रुक कर ही सब कुछ समझा जा सकता था। इसलिए हमने ड्रोन कैमरे की मदद से कुंतेश्वर महादेव मंदिर के आसपास की रेकी शुरू की। आसपास का एरिया देखिए, बहुत मुश्किल है कि यहाँ से कोई आए, किसी को पता ना चले, क्योंकि कुछ घर तो है ही ना आसपास। ये देखिए, ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को कभी तो आभास होता होगा, यहाँ पर भी एक देखिए कुछ है और यहाँ पर भी देखिए ये लोगों के घर हैं, तो आसपास दुकानें हैं, घर हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई आया है, रात को आया है। और लोग ये कहते हैं कि हमारी तो हिम्मत तक नहीं होती कि हम यहाँ निकल कर भी देखें। जहाँ तक ड्रोन कैमरे की नजर गई, वहां दूर दूर तक खेत खलिहान, गुमनाम सा बीहड़ और घाघरा नदी का मुहाना दिखाई दे रहा था। यानी अब इतने बड़े इलाके में हमें चमत्कार की उस कहानी को समझना था जिसका दावा गांव वाले हमसे बार बार कर रहे थे। रामायण बैठाया जाती है यहाँ पर, जाप भी बैठाया जाता है, रात में 24 घंटे का प्रोग्राम होता है, मगर जब वो पूजा का टाइम आता है तो ऑटोमेटिक किसी न किसी कारणवश यहाँ पर, जैसे कि जनरेटर चल रहा है, लाइट बंद हो गई, उसी टाइम में पूजा हो जाती है। अच्छा, ये व्यवधान आ जाएगा, व्यवधान आएगा, आपको कोई न कोई दिक्कत आ जाएगी, आप बंद कर देंगे, वहाँ पर आप रुक नहीं सकते हैं। कभी हुआ है ऐसा? कई बार हुआ है। ऐसी कहानियां हम पहले भी कई जगहों पर सुन चुके थे, लिहाजा हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि इस कहानी को चमत्कार का रूप देने के लिए कहीं कोई शख्स शरारत तो नहीं करता, और अगर करता है तो उसका मकसद क्या है। हम समझना भी यही चाहते थे कि अगर किसी कहानी को हकीकत का लिबास उड़ाकर दिखाया जा रहा है तो आखिर ऐसा कौन कर रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। वैसे भी हमारा सवाल कभी भी धार्मिक आस्था और विश्वास को लेकर नहीं होता, लेकिन सच क्या है ये तो आईने की तरह साफ होना ही चाहिए। इसीलिए हमने गांव वालों से बातचीत के सिलसिले को कुछ और आगे बढ़ाया। आप उनकी परीक्षा ले लीजिए खुश करके, अगर आप अपने अहम की वजह से कि नहीं भगवान को हमें देखूंगी कि देखती हूँ कैसे, तो ये निश्चित रूप से है कि आपका कोई ना कोई अनहित होगा, आप परीक्षा नहीं ले पाएंगी। हम भी आस्था और भक्ति के मसलों को परीक्षा के नजरिए से नहीं देखते, लेकिन तर्कों को अनदेखा भी नहीं करते। इसलिए हमने सवाल किया कि क्या कभी किसी ने उन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा या महसूस किया है, और अगर ऐसा कभी हुआ तो कब, कैसे और किसके साथ। पुलिस लाइन पे थे अधिकारी, उन्होंने परीक्षा ली थी यहाँ हार के अपनी। क्या परीक्षा ली थी? भगवान की परीक्षा ली थी, यही परीक्षा ली थी कि आप, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मतलब जल चढ़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैसे ली थी? तो उन्होंने सब बंद कर दिया, सारा लगा दिया, अपना सारा पहरा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और अंदर वो खुद लाट पकड़ के बैठे। जैसे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजा जब उनके हाथों पे जल पड़ा, तब वो चिल्लाए कि अंदर बाहर वालों से कि अंदर किस कौन आया, तो बाहर वाले बोले सर अंदर तो आप ही हैं।
अब सारी बातें हमारे सामने थी, हम सब कुछ समझ चुके थे, बस देर थी तो मंदिर में रात भर रुकने की इजाजत लेने की, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल में किसी कहानी को समझने के लिए मंदिर समिति या स्थानीय प्रशासन की मंजूरी की जरूरत होती है। इसलिए एक बार फिर हम मंदिर समिति के अध्यक्ष से मिले, जिन्होंने हमसे साफ कह दिया कि आप रुक तो सकते हैं लेकिन मंदिर के अंदर कैमरा नहीं लगा सकते। आप रुक सकते हैं, कैमरा नहीं लगा सकते नहीं, हैं। नहीं, हमें सुबह अक्षत और सब मिलेगा वहां पर देखने। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मंदिर प्रशासन की बात हमने मान ली, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम की सुरक्षा के नजरिए से इलाके की पुलिस से भी सारी जानकारी साझा करनी थी, इसलिए हमने थाने जाकर पहले सारी जानकारी दी। उसके बाद हम एक बार फिर कुंतेश्वर महादेव मंदिर की तरफ रवाना हो गए, जहां एक शिलापट्ट ने हमें ठहरने पर मजबूर कर दिया। यहाँ लिखा है अज्ञात शक्ति, यानी कि आभास होता है कि कुछ आता है जाता है, अपना यहाँ पूजा कर लेता है, लेकिन वो कुंती माई है ये नहीं मालूम है। अब यहाँ अज्ञात शक्ति लिखा है, इसी अज्ञात शक्ति को देखने के लिए, जिसके बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं, यहाँ तक खींचे चले आए हैं, आज रात को हम उस अज्ञात शक्ति को देखने की, समझने की और आभास करने की कोशिश करेंगे। कुंतीश्वर महादेव मंदिर के संदर्भ में यह जन आस्था है और डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भी इसकी संपुष्टि करता है कि यह मंदिर महाभारत कालीन है और इस मंदिर में प्रतिष्ठापित जो शिवलिंग है वो पांडवों की माता कुंती के द्वारा स्थापित किया गया है। जो दूसरा वैशिष्ट्य है कि यह मंदिर जब भी इसके कपाट सवेरे पहर खुलते हैं तो पहले से ही प्रतिमा की पूजा कोई अज्ञात शक्ति कर जाती है। लोगों के दावे, शिलापट्ट पर लिखा मंदिर का इतिहास और साहित्यकार ने जो कुछ हमें बताया वो सब कुछ एक जैसा था। सबकी बातों में, सबके दावों में कुंतेश्वर महादेव से जुड़े चमत्कारों की बात कही गई थी, इसलिए हमारी दिलचस्पी और बढ़ती जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि अपने मकसद को लेकर हम आगे बढ़ते, उस मायावी दरवाजे को देखकर हमारे कदम ठिठक गए, जहां एक गांव वाले ने हमसे चौंकाने वाली बात कही थी। बताया जाता है कि ये दरवाजा कई दशकों से खोला ही नहीं गया। एक व्यक्ति ने बड़ी मतलब रहस्यमय बात बताई, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये कहा कि ये दरवाजा कभी खुलता नहीं है। कोशिश हम करने की कर रहे थे लेकिन तभी महन जी उन्होंने कहा कि नहीं आप दरवाजा तो नहीं खोल सकते हैं, कोशिश करेंगे कैमरे पर वो परमिशन दें। ये भी आप देख लीजिए, भभूति दी जाती है, लोगों को कहा जाता है कि आपकी तबीयत खराब है, तबीयत ठीक हो जाएगी, ये भगवान भोलेनाथ की भभूति है और भगवान जहाँ भोलेनाथ जहाँ होते हैं वहाँ इसी तरीके से यज्ञ और सब किया जाता है। बाबा कब से बंद है ये दरवाजा? कम से कम 60 साल पहले से बंद है। 60 साल से, थोड़ा सा इधर आ जाए हम, 60 साल से बंद है, खोलता नहीं है, खोलने का प्रयास नहीं किया, पहले कभी प्रयास नहीं किया गया, पहले जो बाबा रहते थे। हम करके देखिए प्रयास, आपको देखना हो देख लीजिए, कोई बात हो जाएगी उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। गांव वाले ने भी हमें यही बताया था कि ये दरवाजा कई वर्षों से बंद है, लेकिन क्यों इसका जवाब न तो मंदिर के पुरोहित से हमें मिला और ना ही हम ये भेद समझ सके। लेकिन अब हम जल्द से जल्द उस कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते थे जिसका जिक्र सुनकर हम कुंतेश्वर महादेव तक पहुंचे थे। कुंतेश्वर महादेव की इस कहानी में अब तक जो कुछ हमें समझ आया था उसका ताल्लुक मान्यताओं, धार्मिक आस्था और सदियों से चली आ रही किंवदंतियों से जुड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन यह तो हमारा मानना था, हमारी समझ थी। गांव वाले, सरकारी दस्तावेज और गांव के इतिहास को करीब से जानने वाले पूरे दावे के साथ यही कह रहे थे कि जो कुछ आप सुन रहे हैं वो सिर्फ कोई कहानी नहीं है बल्कि वो एक ऐसी हकीकत है जो महाभारत काल से अब तक चली आ रही है। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब उन कहानियों की जड़ तक पहुंचना चाहती थी जिनकी जड़ों में 5000 साल पुराना राज दफन है।
वक्त हमारे पास कम बचा था, लेकिन अब इस कम वक्त में ही हमें सब कुछ करना था, वो भी बिना किसी की आस्था और धार्मिक विश्वास को चोट पहुंचाए, क्योंकि लोगों ने कहा था कि वो महाभारत की अमर कथा है जिससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी। प्राचीन मंदिर है महाभारत काल का है। हम ये सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई आदर्श शक्ति आती है, पूजा करके चली जाती है। मंदिर में प्रतिष्ठापित जो शिवलिंग है वो पांडवों की माता कुंती के द्वारा स्थापित किया गया है। पारिजात का पुष्प होता है, माँ कुंती उसी फूल से भगवान का जल अभिषेक करके वो पुष्प को अर्पित करती है। सारी कहानियों को सुनने और समझने के बाद अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उस शिवलिंग तक पहुंच चुकी थी जहां पांडवों की मां कुंती द्वारा शिवलिंग का अभिषेक किए जाने का दावा किया जाता है। ये शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि अर्जुन जो कि महाभारत के एक बहुत बड़े पात्र थे, कुंती जो अर्जुन की मां थी वो एक बहुत बड़ी पात्र थी, कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की बुआ थी, उनकी ओर से ये शिवलिंग स्थापित किया गया। देखने में भी लगता है कि किसी जैसे बाकी शिवलिंग आप देखते होंगे शिवालयों में, आपको वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, कुछ अलग है इस शिवलिंग में, कुछ अलग तरीके का लगेगा। हम इस शिवलिंग के बारे में साहित्यकारों से या यहाँ के लोगों से भी जानेंगे, क्योंकि ये आम शिवलिंग तो है नहीं, और अभी तो लोगों ने यहाँ पर सारोसज्जा कर दिया है और इसीलिए थोड़ा सा आपको श्रृंगार दिख रहा है, लोग आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, लोग पूजन करते हैं। लेकिन आप देखिए मंदिर में, आपको दिखा दूं, ये पूरा गर्भगृह आप देख लीजिए, बहुत बड़ा गर्भगृह नहीं है, और अभी तो यहाँ बना दिया गया, कहते हैं कि यहाँ इसी तरीके से बस खाली था, 2 किलोमीटर दूर यहाँ से वो पारिजात का वृक्ष है जिससे फूल लाया जाता है, वही फूल यहाँ कुंती चढ़ाती हैं, और 1.5 किलोमीटर की दूरी सरयू नदी यानी कि घाघरा नदी जिसे यहाँ कहते हैं उसकी है, और वहीं से जल लाती हैं कुंती माँ और यहाँ जल चढ़ाती हैं। इसी सवाल को हम सुलझाना चाहते थे और समझना चाहते थे कि आखिर क्यों गांव वाले एक असंभव से दावे पर अड़े हुए हैं, क्यों बार बार यहां किसी अदृश्य शक्ति के आने की कहानियां कही जाती हैं। हमें जवाबों की तलाश थी, इसलिए चमत्कारों के दावे से जुड़ी हर कड़ी तक हम पहुंचना चाहते थे, यानी अब हमारा नया पड़ाव घाघरा नदी का वो किनारा था जहां ये दावा किया जाता है कि महादेव का अभिषेक करने के लिए मां कुंती यहीं से जल भरती हैं। हम उस जगह हैं जिसका बहुत अहम सिरा उस किस्से से जुड़ता है, उस कहानी से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? दरअसल ये कहा जाता है कि जो जल अर्पित किया जाता है महादेव को, जो मां कुंती जल अर्पित करती हैं, वो इसी सरयू नदी से ले जाया जाता है। तो हम यहीं इसलिए आए हैं ताकि आपको दिखाएं और बताएं कि दूरी कितनी है, होगी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। आप देखिए ये सरयू नदी है, हालांकि इसको जब अयोध्या में थे तो सरयू कह देते हैं, वैसे ये घाघरा नदी, यहाँ घाघरा नदी कहा जाता है, इसके किनारे पर आती है। जरा मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे, इसका वो किनारा है, इसी किनारे पर आती हैं। ये अभी भी कहा जाता है कि अभी भी इस किनारे से जल भरा जाता है और यहीं से जल लेकर माँ कुंती महादेव के उन मंदिर को अर्पित करती हैं, चढ़ाती हैं। वहाँ पर एक किला भी वहाँ पर है, उस किले का भी जिक्र किया गया, थोड़ा दूर नहीं देख पाएंगे आप, ये समझिए हम बहुत खतरनाक जगह पर हैं। खतरनाक क्यों? क्योंकि यहाँ मगरमच्छ भी हैं, मगरमच्छ यहाँ आसपास रहते हैं, तो बड़ा सावधानी से हम लोग आए हैं। घाघरा नदी के किनारे को तलाशते हुए अब हम उस पारिजात वृक्ष तक पहुंचना चाहते थे जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसी वृक्ष के पुष्प को मां कुंती उस दिव्य शिवलिंग पर चढ़ाती हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी एक बोर्ड के जरिए पारिजात वृक्ष से जुड़ी पौराणिक कहानी का जिक्र किया गया था। तो जिस कहानी किस्से को हम आपको सुनवा रहे हैं उसका मुख्य हिस्सा वो यहाँ से जुड़ता है जहाँ मैं मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ उस पारिजात के वृक्ष के पास में। वो पारिजात का वृक्ष हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कोई भी कहानी अगर गढ़ी जा रही है उसको सरकार कितना मानती है वो भी आप समझिए। ये जो बोर्ड आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जिलाधिकारी बाराबंकी की ओर से लगाया गया है, यानी कि सरकारी बोर्ड है,
और इस पारिजात वृक्ष की सरकारी देखरेख कब होने लगी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग क्या बता रहे हैं और यहाँ क्या लिखा है। लोगों ने जो आपको बताया शत प्रतिशत वैसी कहानियां यहाँ पर लिखी हुई है। स्वर्ग से उतरा हुआ एक वृक्ष पारिजात, क्योंकि पारिजात के लिए कहा जाता है, कल्प वृक्ष भी पारिजात को कहते हैं, कि ये यहाँ धरती पर तो नहीं होता है। कुछ ही देर बाद वो विशाल काय पारिजात का वृक्ष हमारे सामने था। और जैसा हमने बोर्ड पर पढ़ा, बोर्ड में यही लिखा था कि अर्जुन ने क्योंकि बाण मारा पाताल लोक से, ये जो है आया है वृक्ष, और उसके बाद जो है ये इस तरीके से फल फूल रहा है। बहुत कम होता है किसी पेड़ की जड़ें आप ऐसी देखें, जरा दिखाइए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, तब भी आप समझ पाएंगे। ये देखिए कि कितनी मोटी, हम छुएंगे नहीं, चलिए क्योंकि मना किया गया है, लेकिन देख कर लग रहा है विशाल। ऊपर देखिए, जरा टहनियाँ दिखाइए आप, देखिए कहाँ दूर दूर तक एक वृक्ष की छाया, इतनी एक नॉर्मल पेड़ की छाया इतनी नहीं हो सकती है। यह कौरवों और पांडवों द्वारा स्थापित किया गया वृक्ष है। जब अज्ञातवास में पांडव का परिवार था, उस समय इस पारिजात वृक्ष से पुष्प लाकर के माता कुंती जी यहाँ पर भगवान शिव का पूजन अर्चन करती थी। ऐसी किंवदंती कई प्राचीन काल से चली आ रही है। हम इस सफर में चमत्कारों से जुड़ी कहानियां सुनकर पहुंचे थे। हालांकि हमें अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं था, लेकिन पारिजात वृक्ष के पास पहुंचने पर जैसे हमारे साथ ही कोई चमत्कार हो गया, क्योंकि भरी दोपहर में अचानक पहले बादल गरजने लगे और फिर तेज बारिश हमारे लक्ष्य की बाधा बन गई। लेकिन हम भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बारिश बहुत तेज हो रही है और हमारे पास टीम जो है, हमारी टीम को वहां पर भी मौजूद रहना, और समय हमारे पास बहुत कम है, समय बढ़ता जा रहा है, हमें वहां भी रुकना है। एक काम करते हैं ना, हाँ। यहाँ अपने ड्राइवर को रोकते हैं। अच्छा, मुझे वहाँ रहना ज्यादा जरूरी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो वो कैमरा उनको समझा दीजिए। इधर आइए आप, इधर आइए। तो ड्राइवर साहब, बारिश हो रही है, आप छाता लेके, ठीक है, इस कैमरा के पास, इस कैमरे के पास रहना आपको। और आपको करना ये है, बता दीजिए, ये उधर समझिए जाकर, यहाँ से, ठीक है, ये ऑन रहेगा। समझा दिया, समझ गए आप। तो अब हम, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम, टीम को हमारी वहाँ पर भी मौजूद रहना, इनकी हमें जरूरत है वहाँ पर, तो ये तो हमारे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, हम अपने ड्राइवर को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। रात की जो एक्टिविटी होगी वो इस कैमरे में रिकॉर्ड होगी। एक बार इंसान धोखा खा सकता है, कैमरा नहीं धोखा खाएगा। तो कैमरे को और हम अपने ड्राइवर को छोड़कर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। बारिश की वजह से हम अब और खतरा मोल नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने अपनी टीम के एक सदस्य को यहाँ कैमरे के साथ छोड़ दिया, ताकि रात में होने वाली हर एक्टिविटी को कैमरे में कैद किया जा सके। और अब हम एक बार फिर कुंतेश्वर महादेव पहुंच गए। हैरानी इस बात की थी कि यहां बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। ये आरती से पहले की तस्वीर आप देख लीजिए, शिवलिंग पर जो भक्त आए होंगे बेलपत्री चढ़ा कर गए हैं, फूल चढ़ा कर गए हैं, और ये अभी शिवलिंग के आसपास इस तरीके से पानी है। लेकिन जब आरती होगी तो तब ये सब कुछ परिसर साफ कर दिया जाएगा और यहां पर आरती की जाएगी सायंकाल की, और उसके बाद दरवाजे कर दिए जाएंगे बंद। शयन आरती की तैयारियों के बीच ही हमने अपने कैमरे को बाहर की तरफ फिट कर दिया, ताकि रात में अगर कोई भी हरकत हो तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। तो मंदिर के अंदर हम मौजूद रहेंगे, अब मंदिर के बाहर कैसे पहरा देंगे ये बड़ा सवाल है। तो अनिरुद्ध आए हैं, इनको बुलाया हमने, अब इनके पास कोई समाधान है नहीं, जानते हैं। अनिरुद्ध क्या कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि मेन यही डोर है मंदिर परिसर के अंदर जाने का, तो अब मैं सीसीटीवी कैमरा लेके आया हूँ। ये सीसीटीवी कैमरा हम ऐसी जगह फिट करेंगे जिससे वहाँ के आने जाने के मूवमेंट जो है वो हम लोग कैप्चर कर सकेंगे, और इसके साथ ही साथ इसको जो है हम अपने फोन से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब मतलब जगह हम देख रहे हैं कि जगह कहाँ, हम ऐसी जगह लगाए जहाँ से हम मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसको हम कवर कर सकें, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट जगह होगी। और देखिए, मैं इसको यहाँ फिट कर रहा हूँ। इस दौरान मंदिर समिति की तरफ से हमसे ये भी कहा गया था कि अगर मंदिर परिसर के बाहर रुकना है तो सच्चे मन से पहले शिवलिंग की साफ सफाई में योगदान करना होगा, लिहाजा हम भी शयन आरती से पहले की इस प्रक्रिया में शामिल हो गए।
कहा गया वो हम जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम यहाँ जो है पूरी रात रुकें, और पूरी रात रुकने की यही शर्त है कि हमें भी इस सफाई में योगदान देना पड़ेगा। मंदिर की साफ सफाई के बाद शयन आरती शुरू हो गई। डमरू और घंटे घड़ियाल से मंदिर परिसर गूंजने लगा। भक्त श्रद्धा भाव से अपने आराध्य को याद करने लगे। शयन आरती के बाद अब बारी थी आगे की तैयारियों की। अब हमने मंदिर के पुरोहित से शिवलिंग को एक कपड़े से पोंछने की इजाजत ली, ताकि शिवलिंग में नमी जैसा भी कुछ न रहे, क्योंकि अगर सुबह तक शिवलिंग गीला रहा तो यह कैसे पता चलेगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने जल चढ़ाया है या नहीं। तो ये जितना गीला है जहां जहां से उसको सब पोंछ देते हैं बढ़िया से, और क्योंकि गर्मी है तो अपने आप भी ये थोड़ा सूख जाएगा, लेकिन जितना कोशिश हो हम इसको शिवलिंग को पोंछ सके। और अब वक्त था मंदिर के कपाट बंद करने का। लगा दीजिए अब तो ताला। तो ये पंडित जी इस वाले दरवाजे को बंद कर रहे हैं अंदर से, ये अंदर से दरवाजा बंद कर दे। एक ताला यहाँ लगेगा, ये ताला यहाँ लगा दिया, एक ताला ये लग गया, ये आपने देख लिया, ये कपाट बंद कर दिए गए। फिर दूसरा कपाट भी बंद कर दिया गया। ये दूसरा दरवाजा पंडित जी बंद करने जा रहे हैं, ये कपाट बंद कर दिए गए, दूसरा भी ताला लग रहा है। आपके सामने कैमरे पर आप देख पा रहे हैं कि दूसरा ताला लग गया है, अभी लगाने पंडित जी जा रहे हैं दूसरा ताला भी। और जब दोनों दरवाजों पर ताले लग जाएं, चाबी किसके पास रहती है? आप ही के पास रहती है, चाबी इनके पास ही रहती है, तो कैसे संभव है? हमने चेक कर लिया, ताला नहीं खुल सकता, ये बिना चाबी के ये ताला बिल्कुल नहीं खुल सकता। मंदिर की सभी लाइटों को बंद कर दिया गया और अब बारी थी मुख्य द्वार को बंद करने की। ये दरवाजा भी आपके सामने जो है वो बंद कर दिया गया। ये ताला इसका, ये इसका ताला, ये भी लग रहा है। तीन ताले, आप सोचिए क्या आसान है इन तीन तालों को खोलकर किसी मनुष्य के लिए अंदर जाना जब चाबी उसके पास नहीं है। सारे कपाट बंद होने के बाद अब हमने बचे हुए दूसरे कैमरे को मंदिर परिसर के अंदर ऐसी जगह फिट कर दिया जहां किसी भी तरह की एक्टिविटी होने की संभावना हो सकती थी। देखिए, एक तो हम लोग ने बाहर लगा दिया। हाँ। अब क्योंकि समय इतना हो चुका है कि अब सबसे बड़ा मेजर पार्ट अब शुरू होगा, पट बंद हो चुके हैं, सारे में रख दे। ये जगह सबसे ज्यादा सूटेबल लग रही है क्योंकि यहाँ से मंदिर का दिख रहा है, हम लोग जो है देख सकते हैं। और आप देखिए, मैंने अपना ये जो है कैमरा यहाँ फिट कर दिया है क्योंकि सामने ही जो है ये द्वार है, मुख्य द्वार है, तो यहाँ से हम लोग को दिख पाएगा, प्रॉपर दिख पाएगा। इसी बीच गांव के लोग और भजन कीर्तन की एक मंडली हमारे साथ मंदिर में रुक गई। हम उन्हीं लोगों के साथ बैठकर समय के गुजरने और अदृश्य शक्ति वाले चमत्कार के होने का इंतजार करने लगे। तो मंदिर के कपाट बंद करा लिए, और जैसा यहाँ के लोगों ने कहा था कि हम पूरी रात भी अगर कुछ करते हैं तो उसमें भी व्यवधान आ जाता है, तो हमने रिक्वेस्ट की कि आप लोग यहाँ बैठिए पूरी रात, अगर बैठ पाए हमारे साथ में जाप कीजिए, भजन कीजिए, और उस बीच अगर कुछ होता है तो वो हम देखते हैं और दिखाते भी हैं कि क्या वाकई सच्चाई है कि अगर कुछ भी हो रहा और उसमें व्यवधान आ जाता है, जब उस अदृश्य शक्ति को आना होता है और पूजा करनी होती है। तो आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ हैं पूरी रात, वो भी ऐसे ही बैठे रहने वाले। घड़ी के कांटे आगे बढ़ते जा रहे थे,
अब वो लोग भी जा चुके थे जो हमारा साथ देने के लिए रुके थे। गहरे सन्नाटे के बीच मंदिर परिसर में सिर्फ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मौजूद थी। थकान और नींद हम पर हावी हो रहे थे। बेचैनी से भरी इस रात को काटने के लिए हम कभी मंदिर के चक्कर लगाते, कभी ठहर कर आपस में अपनी टीम से बात करते कि अचानक पुलिस की जीप के सायरन ने उस गहरे सन्नाटे को तोड़ दिया जो हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। हेलो मैम। हेलो हेलो, कैसे बैठी हैं आप? वो दिया था ना कि आज हमें यहाँ पर कंसेशन। अच्छा, अच्छा, हाँ, 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा, आज अच्छा। रुकने का था कि हम रात भर रुकेंगे यहाँ पर। दिया अच्छा, था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो रात भर पूरा रहेंगे? नहीं नहीं, पूरी रात रहना है। जब सुबह कपाट खुलेंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। अच्छा अच्छा, वही चेक करने में आया था क्योंकि जो है मुझे पता चला था कि हाँ आप जो है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हमने दिया था कि आप अगर हमारी सुरक्षा तो रहती है, खैर यहाँ। अच्छा, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकती है। ठीक है ठीक है। बाकी थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया है तो मंदिर प्रांगण में ही रहिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे लेकिन मंदिर में तो रहने वाले। पुलिस की टीम आश्वस्त थी कि हम सुरक्षित हैं, लिहाजा किसी भी तरह की मदद का भरोसा देकर वो लौट गए। अब एक बार फिर इंतजार की घड़ियां हमारे सामने थी। रात के बचे हुए चंद घंटे ही मानो काटने को दौड़ रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हमारे होश फाकता हो गए। कुछ आवाज हुई है, कुछ अंदर एक्टिविटी है। एक मिनट देखिए, आराम। खोलो खोलो जल्दी खोलो। कुछ आवाज हुई है, कुछ आवाज। ये देखिए, ये देख रहे हैं, सारी सारी घंटियां हिल रही हैं, एक एक करके सारी घंटियां। और आप ये देखिए, कोई भी समय यहाँ पे है ही नहीं। और आप मतलब ये तो सोच से परे है, पता कैसे चले। लेकिन यहाँ पे एक मिनट रुको रुको, तुमने कैमरा लगाया था ना? एक वहाँ कैमरा और एक कैमरा वो भी है। कैसे मतलब ये भी मेरे तो रोंगटे देखे खड़े हो रहे हैं। ये भी स्ट्रेस है, खड़े हो रहे हैं। ये चीजों का आप देखिए मतलब ये तरीके बहुत से स्ट्रेस बहुत है कि हम बैठे हुए पूरी रात बैठे रहे हम लोग और उसके बाद ये घंटे हिल रहे। ये देखो, ये वाला तो देखो अभी भी, ये प्रमाण है कि कुछ था। हमारे अलावा मंदिर में कोई नहीं था, फिर ये घंटियां कौन बजा गया? क्यों हमारे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ? इसका जवाब सिर्फ अब पुजारी जी दे सकते थे। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के खोलने का समय हुआ तो पुजारी भी वहां पहुंच गए। पुजारी जी, मतलब हम पूरी रात बैठे थे, हमने तो जो देख लिया तो हमारे रोंगटे खड़े कर गए। मैं मेरी टीम के मेंबर बैठे हुए थे, अचानक घंटे बजने लग गए। ये क्या है, क्या हुआ? ये सब भगवान की कृपा है और क्या। मैं और मेरी टीम के एक मेंबर मेरे साथ थे, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि सुन रहे थे लेकिन जब अपनी आंख से देखे तो वो तो दम। और ये दरवाजा प्लीज प्लीज इसको खोल दीजिए महाराज जी, जल्दी इंतजार। ये क्या है, एक मिनट आइए। क्या ये अक्षत चढ़े हुए? हाँ ये अच्छा। और गीला है ये पानी, ये जल चढ़ा हुआ है। ओह गॉड, मतलब अनबिलीवेबल। ये तो मतलब सोच भी नहीं पा रहे हम। मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही हूँ, ये ऐसे रहता है हमेशा। बस ये चमत्कार होता ही रहता है, यही देखते हैं आप? हाँ। तो क्या वाकई कोई अदृश्य शक्ति मंदिर में दाखिल हुई और शिवलिंग का अभिषेक करके चली गई? क्योंकि हमारे सामने तो मंदिर में कोई नहीं आया। प्रमाण है ये। ठीक है भाई, आज भी माता हमने तो कैमरे पर आपको दिखा दिया, अब आपको तय करना है ये क्या है। लेकिन ये तो हो सकता है कि जो कैमरा हमने पारिजात वृक्ष के पास रखा था वहां कुछ रिकॉर्ड हुआ हो,
ये देखने के लिए एक बार फिर हम जब वहां पहुंचे तो वहां बारिश अब भी हो रही थी। कुछ दिखा आपको? कुछ मिला? पूरा रात आप जगे रहे क्या? आप पूरे रात जगे थे? जी जी। अच्छा, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया? आपको नहीं दिखा कुछ भी? कोई मूवमेंट कुछ किसी तरीके का नहीं, मतलब किसी कोई आने जाने का कुछ कुछ महसूस नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई इसमें? नहीं। मंदिर की घंटियां हवा के झोंके से भी बच सकती हैं, या फिर किसी कंपन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कैसे शिवलिंग पर जल का अभिषेक हुआ, कैसे उस पर अक्षत आए, क्यों हमारे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ जबकि वो बिल्कुल ठीक थे, इन सवालों का जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। गांव वाले इन्हीं सब निशानियों को मां कुंती का चमत्कार बताते हैं, और हम या आप इसे चमत्कार माने या न माने, लेकिन उसे नकारने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। वैसे भी इन दावों से किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि आस्था बढ़ती है, वो आस्था जो सद्भाव है, शांति है, शीतलता है, और सबसे बढ़कर वो उम्मीद है जो कमजोर और दुखी जन के जीने का सबसे बड़ा सहारा है।